मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अमिता गौतम, योर साइंस टीचर. टुडे विल कंटिन्यू चैप्टर 3 अगेन, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम. नाउ टुडे विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक, जॉइंट्स. अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट. जॉइंट क्या होते हैं? जहाँ पे टू बोन्स मीट करती है. अ जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स मीट. जहाँ पे टू या टू से ज्यादा बोन्स मीट करती है, मिलती है, उसे हम जॉइंट बोलते हैं. व्हाट वी से? जॉइंट. बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. जहाँ पे बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स, जब बोन्स ठहरती है, जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं एक साथ, वहां पे स्ट्रॉन्ग टिश्यू के थ्रू उसे हम लिगामेंट बोलते हैं. व्हाट वी से? लिगामेंट. आवर स्केलेटन हैज मेनी जॉइंट्स. जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं. एक्सेप्ट फॉर द स्कल, मूवमेंट इज पॉसिबल इन ऑल द जॉइंट्स. सिर्फ हमारे स्कल को छोड़कर, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो स्कल है, स्कल को छोड़कर हमारी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो जॉइंट, उस जॉइंट्स में क्या होता है, जो मूवमेंट्स होते हैं वो पॉसिबल होता है. इन द स्कल द बोन्स आर इंटरलॉक्ड इन मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल. जो हमारा स्कल है, स्कल में जो बोन्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे इंटरलॉक्ड है, एक दूसरे बिल्कुल जुड़ी हुई है, बिल्कुल इस तरह से लॉक हुई हुई है कि वो मूव नहीं कर सकती हैं. इसलिए उनमें जो मूवमेंट है, वो जो जो जॉइंट्स हैं, उनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. इसलिए उसे इमूवेबल बोला जाता है, इमूवेबल जॉइंट बोलेंगे उसे. द टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. अब जो मूवेबल मूवेबल जॉइंट्स हैं, उसे फोर टाइप्स हैं. नंबर वन, टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. नंबर वन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नंबर टू, हिंज जॉइंट. नंबर थ्री, पाइवेट जॉइंट. नंबर थ्री इज पाइवेट जॉइंट. एंड द लास्ट नंबर फोर, नंबर फोर इज ग्लाइडिंग जॉइंट. नंबर फोर इज ग्लाइडिंग joint. Now number one, ball and socket joint. The ball and socket joint किस type में joint होता है? In such a joint, the spirit ball like end of one bone fits into the cup like socket of the other bone. Two bones होती हैं. एक bone तो होती है जो बिल्कुल sphere type की होती है, sphere type ball type की होती है, और जो दूसरी bone थी वो cup की तरह होती है, cup like socket जैसी bone होती है. जो एक एक जो जो स्प्रेड बॉल होती है वो फिट होती है कप लाइक बॉल, कप लाइक सॉकेट के अंदर, जिस तरह की बोन है उसमें फिट रहती है. तो ऐसे जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं. इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट. और ये जो जॉइंट है, ये बहुत सारे मूवमेंट जो करता है, पॉसिबल को करता है. शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप जॉइंट. जो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं वो शोल्डर में होते हैं और हिप में होते हैं. नाउ हिंज जॉइंट, नंबर टू इज हिंज जॉइंट. अब हिंज जॉइंट क्या होता है? दिस जॉइंट इज लाइक अ हिंज इन अ डोर. जैसे डोर में हिंज होता है, वैसे ही जॉइंट भी क्या होता है? हिंज टाइप होता है. इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. जो ये जॉइंट होता है वो बैक और फोर्थ मूवमेंट को क्या करता है? अलाउ करता है, उन्हें पॉसिबल बनाता है. मतलब आप इसे मतलब उस जॉइंट को कैसे भी रोटेट करो, कैसे मूव करो, वो वापस अपनी ही जगह पर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एल्बो, नी, फिंगर्स एंड टोज, दिस टोज हैव दिस टाइप ऑफ जॉइंट. जो इस तरह जॉइंट है वो एल्बो, नीज, फिंगर्स और टोज में होते हैं. नाउ नंबर थ्री, पाइवट जॉइंट. नंबर थ्री इज पाइवट जॉइंट. दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. जो इस तरह का जो जॉइंट होता है वो स्कल और जो हमारा वर्टिब्रे, स्पाइन का जो वर्टिब्रे है, जो फर्स्ट टू वर्टिब्रे होते हैं, उनके बीच में होता है ये जॉइंट. इट हेल्प्स अस टू मूव अवर हेड साइडवेज, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. जो ये जॉइंट होता है, ये हमारे हेड को क्या करता है? ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने में हेल्प करता है. नंबर फोर, ग्लाइडिंग जॉइंट. अब ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? दिस जॉइंट इज फाउंड इन द बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल. जो इस तरह का जॉइंट होता है वो रिस्ट और एंकल में होता है. रिस्ट मीन्स कलाई में होता है और एंकल मीन्स जहाँ हम पायल पहनते हैं, जिस जगह पर, उसे हम एंकल बोलते हैं. तो ये जो जॉइंट है ये रिस्ट और एंकल में होता है. इट अलाउज दीज बोन्स टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर इन अ ग्लाइडिंग मोशन. ये जो जॉइंट होता है ये क्या करता है? दो बोन्स को एक दूसरे के साथ स्लाइड करने के लिए
एक ग्लाइडिंग मोशन में स्ट्रेच करने के लिए ये जॉइंट हेल्पफुल होता है, अलाउ करता है. नाउ मसल्स. मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स. जो मसल्स हैं वो फ्लैशी बंडल्स हैं, फ्लैशी बंडल्स हैं जो एक थिन इलास्टिक मटेरियल टाइप की मटेरियल टाइप का होता है जो हमारी बॉडी में है, जो जो बॉडी में है जो बोन से जिसे बोन से कनेक्ट जो बोन से कनेक्ट होता है टेंडन्स के थ्रू. टेंडन्स क्या होता है? टेंडन्स मीन्स जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं. टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट कनेक्ट बोन्स टू मसल्स. टेंडन्स क्या है? जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स हैं जो बोन से मसल की मसल से जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स है जो बोन से कनेक्ट होते हैं और बोन से मसल्स को मसल्स की तरफ कनेक्ट होते हैं. देर आर 650 डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी एंड ईच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर मूवमेंट. हमारी बॉडी में क्या है 650 डिफरेंट काइंड की डिफरेंट टाइप्स की क्या है मसल्स हैं और हर एक जितनी भी मसल्स हैं वो सब किसी न किसी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दे ऑल्सो हेल्प इन इंपॉर्टेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एक्सेट्रा. और ये मसल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करती हैं जैसे डाइजेशन है एक्सक्रीशन है इन रेस्पिरेशन है इन सब में क्या करती है हेल्पफुल होती है. द टाइप्स ऑफ मसल्स. जो मसल्स हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं. ओके नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स. टाइप्स ऑफ मसल्स नंबर वन इज वॉलंटरी. वॉलंटरी. नंबर टू इज इनवॉलंटरी. एंड नंबर थ्री इज कार्डियक. ये थ्री टाइप्स की मसल्स होती है. नंबर वन इज वॉलंटरी, नंबर टू इज इनवॉलंटरी एंड नंबर थ्री इज कार्डियक मसल्स. अब वॉलंटरी मसल्स क्या होती हैं? ऐसी मसल्स जो हमारी जो हमारे कंट्रोल में होती है. मोस्ट ऑफ द मसल्स इन अवर बॉडी आर अंडर अवर कंट्रोल. बहुत सारी मसल्स ऐसी होती जो हमारे कंट्रोल में होती है या फिर ये कहें कि ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती है हमारी बॉडी कंट्रोल में होती है हमारे कंट्रोल में होती है उसे हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. और ऐसी मसल्स जो होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स लेग्स आईज टंग. जो इस तरह की मसल्स होती है वो हमारे आर्म्स लेग्स आईज टंग में होती हैं. वी रन वॉक बैंड एंड स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी मसल्स. हम रन करते हैं वॉक करते हैं स्ट्रेच करते हैं वो हम इसी मसल्स की हेल्प से कर पाते हैं. नंबर टू इज इनवॉलंटरी मसल्स. अब इनवॉलंटरी मसल्स क्या होती है? ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं उन्हें हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम द फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी एंड द मूवमेंट ऑफ लंग्स इन ब्रीदिंग. मैंने पहले बोला है कि जो ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसे हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. हम जो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड डाइजेस्ट होता है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जो हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. जो हमारी लंग्स में जो ब्रीदिंग जो हम लंग्स से ब्रीथ करते हैं जो मूवमेंट होता है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो ये सब क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स. ये सब क्या है? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिसे जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है. नो कार्डियक मसल्स. नो कार्डियक मसल्स क्या होती हैं? दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट. ऐसी मसल्स जो सिर्फ हमारे हार्ट में होती हैं. कहाँ होती हैं? हमारे हार्ट में होती हैं, हमारे दिल में होती हैं. दीज आर इनवॉलंटरी नेचर बट आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलंटरी मसल्स. वैसे तो ये इनवॉलंटरी होती हैं लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर होता है ये जो बनी हुई होती हैं ये दिखने में यानी कि जो बनी हुई होती है वो बिल्कुल वॉलंटरी मसल्स जैसी होती हैं. एज मसल्स आर इनवॉलंटरी दे आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल एंड वर्क थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड. ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और ये ऐसी मसल्स होती हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और ये थ्रू आउट लाइफ अपना वर्क करती रहती हैं पूरी जिंदगी अपना वर्क करती रहती बिना रुके बिना थके हुए. नाउ फंक्शंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम. मसल्स प्ले फोर इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी. दीज आर जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी में फोर इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं. नंबर वन कॉजिंग मूवमेंट. मूवमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन. हमारे ह्यूमन बॉडी में जो एक जो हमारी बॉडी में या ये कहो कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो मूवमेंट होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होता है.
दे पुल द बोन्स ऑफ कॉज मूवमेंट्स, जो आप बोन्स, जैसे बोन्स को पुल करते हो, खींचते हो, तो मूवमेंट होता है. नंबर टू, मेंटेनिंग पोस्चर. स्केलेटल मसल्स हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर. जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करती है, मेंटेन करने में हेल्प करती है. स्टेबिलाइजिंग जॉइंट्स. मसल्स होल्ड अवर जॉइंट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज वाइल मूविंग. जो मसल्स होती हैं वो हमारे जॉइंट्स को क्या करती है, पकड़ कर रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं और उनको बचा कर रखती है कि जब हम मूव कर रहे हैं तो जब हम मूव करें तो उन्हें डैमेज होने से बचाती हैं, वो डैमेज ना हो. नाउ जनरेटिंग हीट. द फोर्थ फंक्शन ऑफ मसल्स इज टू जनरेट बॉडी हीट. जो मसल्स का फोर्थ फंक्शन है वो ये है कि जो मसल्स हैं वो बॉडी हीट जनरेट करती है. क्या जनरेट करती है? बॉडी हीट जनरेट करती है. दैट्स ऑल. हैव अ गुड डे. थैंक यू.